नमस्कार, कक्षा 8 एक्सरसाइज 2.5, इसका प्रश्न नंबर 4 है। x माइनस 5 बटा 3 बराबर x माइनस 3 बटा 5। इस प्रश्न में हमें रैखिक समीकरण को हल करना है और हमें पता है यदि रैखिक समीकरण को हल करना हो तो उसका अर्थ ये होता है कि रैखिक समीकरण में x का मान या जो भी चर दिया है उसका मान हमें निकालना है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम इसे हल करने के लिए इन दोनों चरों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पूरे के नीचे एक हर है और यहाँ भी पूरे के नीचे हर है, कोई भी यहाँ प्लस या माइनस अलग से नहीं है जो इस 5 के ऊपर ना हो। इसलिए हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब होता है ये वाली हर यहाँ ऊपर इन दोनों से गुना हो जाएगी और ये वाली हर वहाँ इन दोनों से गुना हो जाएगी। तो इसका मतलब ये बन जाएगा 5, ये 5 इधर गुना हो जाएगा तो ये बन जाएगा 5 इंटू एक्स माइनस 5 बराबर 3, इन दोनों से गुना हो जाएगा 3 इंटू एक्स माइनस 3। ठीक है, आप 3 वाली रकम को उधर भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं। अब अगले स्टेप में ध्यान से देखेगा, ये जो 5 है ये इससे भी गुना होगा और इससे भी गुना होगा, इसी प्रकार से ये 3 इससे भी गुना होगा और इससे भी गुना होगा। ठीक है बच्चों, 5 गुना एक्स होता है 5x माइनस 5 गुना 5 होता है 5 पाँचे 25 बराबर 3 गुना एक्स होता है 3x माइनस 3 गुना 3 होता है 3 तिया 9। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, x वाली रकमों को बच्चों एक तरफ ले आएंगे। ये है 5x, 3x यहाँ प्लस हो रहा है, उधर जाके हो जाएगा माइनस, बीच में बराबर का निशान रहेगा। यहाँ माइनस 9 पहले से है, माइनस 25 है यहाँ, लेकिन उधर जाएगा, उधर यानी बराबर के उधर जाएगा तो इसका निशान चेंज हो जाएगा। ये माइनस 25 है, उधर जाके क्या हो जाएगा बच्चों, बोलो, प्लस हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगले स्टेप में आपके सामने दिख रहा है, इसको हल करना है बस। बराबर के नीचे बराबर, 5x माइनस 3x, x x है दोनों के साथ, तो 5 में से 3 निकाला, 2 साथ में x, 5x माइनस 3x 2x बराबर। ये माइनस की रकम है, ये प्लस की, माइनस प्लस माइनस, 25 में से 9 माइनस किए 16, साथ में बड़ी रकम का निशान, बड़ी रकम है 25, 25 के साथ निशान है प्लस का, तो आ गया 2x बराबर 16। अगले स्टेप में x को अकेला छोड़ दो, 16 2 इधर x के साथ गुना हो रहा है, उधर जाके हो जाएगा भाग। ठीक है बच्चों, अब ये आपस में यदि कटता है तो हम इसको काट देंगे, 2 16 के पहाड़े में, सॉरी 16 2 के पहाड़े में कट जाएगा, 2 8 16, इसका मतलब x किसके बराबर आ गया, 8 के। और ये जो समीकरण थी ये x की चर में थी, हमें x का ही मान निकालना था, वो जो मान है वो हमारे पास आ गया है 8 के बराबर। तो बच्चों ये इस प्रश्न का हल था, आशा करता हूँ आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ आया होगा। यदि आपको अच्छे से समझ आया तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करना, क्योंकि आप लाइक करते हैं तो उससे हमें प्रेरणा मिलती है और मेहनत से वीडियोस को बनाने की। धन्यवाद।